नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड्स इवन प्रोडक्शन में। तो दोस्तों, हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश मॉन्स रीजनल T20 का चौथा मैच है, जो कि दोस्तों में कराया जाएगा WSL THU टीम्स के बीच। डी प्लान करेंगे इस फुल स्टेप इन्फो, दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले मैचेस की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, जो हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, कभी कभार लिंक वर्क ना करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @RealFWP, आपको फैंटसी विन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 26,000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। दोस्तों, मैंने हमसे कुछ फेक चैनल भी लोगों ने बनाए हैं, तो प्लीज़ आप उनसे सावधान रहिएगा। और रीजन नेम @RealFWP देखे 26,500 के आसपास सब्सक्राइबर देख के हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों, बात करें मैच की, मैच शाम में 7 बजे से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है द कूपर एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड इंग्लैंड के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों की पिच की, बैलेंस विकेट मान के अपनी टीम को क्रिएट करेगा। हालांकि दोस्तों इस ग्राउंड के अंदर जो बैटर्स हैं उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, लेकिन शुरुआती वर्ष में पेसर्स को थोड़ा सा मूवमेंट मिलेगा, उसके बाद बैटिंग थोड़ा ईची हो जाएगा। बाउंड्रीज थोड़ा सा छोटी होती है, जिससे रन ठीक ठाक बनते हैं, लेकिन बोन्स मैच में आपको बहुत ज्यादा बड़े स्कोर देखने को नहीं मिलेंगे। आप 140 से 160 के रेंज में स्कोरिंग देखेंगे, क्योंकि यहाँ का विकेट ओवरऑल बैलेंस है। पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं WS टीम्स की, तो इस टीम का एक मैच हो चुका है। ये टीम पहले अपना हार के आ रही, इस टीम की आपको ओपनिंग करते दिखेंगी नताशा वरेथ, उनके साथ ओपन करने आएंगे डेनियल गिब्सन। बात करें दोस्तों नताशा की, जो राइट हैंड बैट्समैन है, कीपिंग भी करेंगी। लास्ट गेम में उन्होंने 16 रन बनाए थे, रिसेंट परफॉर्मेंस इससे पहले ओवरऑल ठीक ठाक सही था, तो ठीक ठाक से प्लेयर हैं, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। आपको ओपन करते हुए देखेंगे, इनके साथ ओपन करने आएंगे डेनियल गिब्सन, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करेंगे, एक बढ़िया ऑलराउंडर है। आपको 4 ओवर की पूरी बॉलिंग करते हुए देखेंगे, प्लस ओपन करेंगे और अच्छी पावर हिटर है। जिनका पहला मैच हुआ था उसमें उन्होंने 52 रन किए थे, 4 ओवर की बॉलिंग कराई थी, विकेट नहीं मिला था। रिसेंट परफॉर्मेंस बॉलिंग से बहुत अच्छा था, बैटिंग से भी कुछ अच्छे स्कोर किए थे। इस पर जो आखिरी के 5 मैच खेले थे, 2 विकेट 9 रन, 3 विकेट 2 विकेट 17 रन, 0 विकेट 56 रन। तो एक मैच में बैटिंग से अच्छा स्कोर है, बाकी बॉलिंग से लगातार आखिरी के 3 मैच में तो अच्छा खासा विकेट निकाला है। और आपके वहाँ पे 4 ओवर की बॉलिंग डालते हुए देखेंगे, प्लस ओपन करेंगे, तो कैप्टनसी की बहुत अच्छी ऑप्शन आपके लिए रहने वाली है। वन डाउन बैटिंग करते देखेंगे ओल्डर प्रकाश, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करेंगे, आयरलैंड के प्लेयर हैं, 4 ओवर की पूरी बॉलिंग करते देखेंगे, वन डाउन बैटिंग करेंगे। CVC की भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन आपके स्मॉल लीग टीम में। लास्ट गेम में उन्होंने 14 रन किए, 4 ओवर की बॉलिंग कराए, 1 विकेट निकाले। रिसेंट पहुंच भी ओवरऑल इनका अच्छा रहा, 0 विकेट 16 रन, 0 विकेट 115 रन, 0 रन 2 विकेट 16 रन, 61 रन, 0 विकेट, तो ओवरऑल अच्छा करके आ रहे हैं रिसेंट में। और आपको यहाँ पे वन डाउन बैटिंग करते देखेंगे, 4 ओवर बॉलिंग डालते देखेंगे, तो कैप्टन वाइस कैप्टन की भी एक अच्छी ऑप्शन है। परन विल्सन की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, लास्ट गेम में 16 रन किए, रिसेंट में मतलब देखेंगे तो ठीक ठाक से प्लेयर, हिट और मिस वाले बल्लेबाज हैं। इस तरह स्पेल जो आखिर के 4 गेम खेले थे, 2 अच्छे स्कोर थे, 2 फेलियर थे, तो बैटिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं है, तो आप इनको अपनी टीम में एज अ प्लेयर लेके जा सकते हैं। सॉफी लोग की बात करें, नंबर 5 के आसपास खेलेंगे, लास्ट गेम में 9 रन किए, रिसेंट फॉर्म भी ओवरऑल एवरेज ही रहा है, थोड़ा बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है, तो अपने इनको GL में ट्राई करना है। एलेक्स ग्रिफिन की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम, आपको मिडल ऑर्डर खेलते हुए नजर आएंगे। लास्ट गेम में 2 ओवर की बॉलिंग कराई थी, विकेट नहीं मिला, 31 रन बैटिंग से किए, रिसेंट फॉर्म ओवरऑल अच्छा रहा है, अपनी टीम में जरूर रखिएगा, मस्ट पिक है। 2 से 3 ओवर की बॉलिंग डालते हुए देखेंगे, साथ में मिडिल ऑर्डर बैटिंग करेंगे, अच्छी पावर हिटर है, लास्ट गेम भी अच्छे स्ट्राइक रेट से 31 रन किए थे, तो कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग बना सकते हैं, स्मॉल लीग में जब प्लेयर रखिएगा। लॉरेन फिलर की बात करें, वो बॉलिंग से ओवर करते रहते हैं, लास्ट गेम में 1 विकेट निकाला, 2 ओवर डाले, 21 रन बैटिंग से, नीचे आगे हार्ड हिटिंग कर सकते हैं, प्लस अच्छी बॉलिंग कराती है। बॉलिंग फर्स्ट मस्ट पिक, डेथ में भी डाल सकते हैं, बॉलिंग सेकंड में आप छोड़ सकते हैं। नीमा होलैंड ने 1 ही ओवर डाला था, बैटिंग ऑर्डर नीचे आप छोड़ सकते हो। कैटी जोन्स को भी आप छोड़ दीजिएगा। सोफी एसमैन लेफ्ट आउट थ्रो से 3 ओवर लास्ट गेम में डाल थे, रिसेंट परफॉर्मेंस ठीक ठाक से रहा है, ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों कोल एस्केलेटन, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट गेम में 1 ही विकेट निकाला, 4 ओवर डाले, लेकिन रिसेंट में इनके विकेट टेकिंग बॉलर है, बहुत विकेट निकाले हैं, 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, हर मैच में इनके विकेट है, तो ये भी आपकी टीम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनके बेंच में जो प्लेयर हैं लास्ट मैच खेले नहीं थे, यदि इनमें से कोई भी खेल गया ना, तो उसके स्टेटस टेलीग्राम में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप चाहो बेंच वालों को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस है WS का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आखिरी मैच में इनका यही था। यदि बैटिंग ऑर्डर में कुछ भी चेंजेस होते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका जो ऑफिशियली प्लेइंग 11 आता है ना इनके पेजेस पे, जो ऑफिशियली लोग प्रोवाइड करते हैं, बैटिंग ऑर्डर से प्रोवाइड करते हैं, जो उस मैच में बैटिंग ऑर्डर होने वाला होता है, तो जैसे ही वो प्लेइंग 11 आएगा, मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। कुछ भी चेंजेस होते हैं मैं आपको बता दूंगा, और जो भी मेरी फाइनल टीम होगी, जिस टीम से मैं खेलूंगा, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम पर, मैं तुरंत ज्वाइन कर लें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों हम THU की, टेलीग्राम पर ऑलरेडी हमको 26,600 के आसपास लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाएं। दोस्तों THU की जो टीम है, इस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते देखेंगे एमा लमिन के साथ ओपन करने आएंगे नौमी दत्तानी। अब दोस्तों अभी इस टूर्नामेंट से पहले
पिछले वीक में ही खत्म हुआ है इनका 50 ओवर फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट हुआ था इंग्लिश मून्स रीजनल T20। पहले वो 50 ओवर होता है, उसके बाद फिर T20 फॉर्मेट में हो रहा है। तो जब 50 ओवर फॉर्मेट हुआ था तो THU के लिए यही सारे प्लेयर खेले थे और बैटिंग ऑर्डर यही इनका फॉलो हुआ था। जब 50 ओवर फॉर्मेट में टूर्नामेंट हो रहा था तो यहाँ पे दीयंद्र डोस्टी नंबर 5 पे खेले थे, लगभग सारे मैच में नंबर 5 ही खेली थी, इसलिए मैंने उनको नंबर 5 पे डाला है। हालांकि प्लेइंग 11 आने के बाद दीयंद्र डोस्टी बतौर ओपनर मेंशन होती है ना, तो फिर सीधे से अपनी टीम का इन्हों कैप्टन बना सकते हो, लेकिन इन नंबर 5 की आसपास मेंशन होती है तो फिर आप इनको CBC नहीं कर सकते एज अ प्लेयर रखिए, क्योंकि वो फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा बैटिंग भी ना है और बॉलिंग कभी भी इनका 4 ओवर कंफर्म नहीं रहता, कभी 2 ओवर डालती हैं कभी 3 ओवर डालती हैं। तो प्लेइंग काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि जब 50 ओवर फॉर्मेट में टूर्नामेंट हुआ था दीयंद्र डोस्टी ने ओपन नहीं किया था किसी भी मैच में, तो ये चीज़ है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ यदि आप मैच खेल रहे हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, प्लेइंग 11 पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। MLN तो कंफर्म ओपन करेंगे, इंग्लैंड के लिए भी खेल चुके हैं, अच्छी बल्लेबाज हैं। लास्ट के जो 5 गेम सीरीज से पहले खेले 56, 74, 6, 29 और 25 का स्कोर किया हुआ है। 2 मैच बॉलिंग कराई थी, विकेट हालांकि नहीं मिला हुआ था, आपको 2 ओवर के आसपास बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे, साथ में ओपन करेंगे तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी अच्छी ऑप्शन है। नवमी दत्तानी की बात करें, बतौर ओपनर मेंशन होती है तभी ट्राई करिएगा, यदि नीचे मेंशन होती है तो आप इनको छोड़ सकते हो, क्योंकि इनका भी बॉलिंग 2 ओवर के आसपास ही रहता है और साथ में यदि टॉप ऑर्डर मेंशन होती है तो फिर ठीक ठाक से पिक हो जाती है। वन ओवर बैटिंग कर तो देखेंगे एफ मॉरिस, ये भी एक मतलब देखा जाए तो ठीक ठाक से एवरेज भी बल्लेबाज हैं, आखिरी के 4 गेम खेले 31, 1, 18 और 3 किया है, बैटिंग से ही अच्छा स्कोर है, बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं करती, इसलिए आप इनको GL में ही ट्राई करें। बात करें दोस्तों एलनोर थ्रकर्ड की, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक सा रहा है, 1 27 14 30 और 79 का स्कोर किया हुआ है, विकेट कीपिंग सेक्शन से जा सकते हैं, दोनों ही कीपर ठीक ठाक से ही पिकें। बात करें दोस्तों दीयंद्र डोस्टी की, अपनी टीम में जरूर रखिएगा, 2-3 ओवर के आसपास बॉलिंग से डाल सकती हैं और साथ में यदि ओपनर मेंशन होती है ना तो फिर आप इनको CBC कर सकते हैं। तो प्लेइंग 11 पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन रखना जरूर, रीजन में कह ढा के आ रहे हैं जितने मैचेस खेले हैं, 8, 41, 51, 75, 42, बॉलिंग से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। आखिरी के 5 में से 3 मैच में बॉलिंग कराई थी, आप इनको 1 विकेट मिला, 2 मैच में बॉलिंग नहीं भी कराई थी, तो बॉलिंग पूरा 4 ओवर इनका कन्फर्म कभी भी नहीं रहा है। बात करें दोस्तों सोफी क्लेस्टोन की, मेरे हिसाब से ना कैप्टन की एक बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि बैटिंग भी मतलब जो डोमेस्टिक में खेलती है ना नंबर 5-6 के आसपास खेल लेती हैं और बैटिंग से देखिए 74 और 19 का ही अच्छा स्कोर है, लेकिन अभी जो WPL हो रहा था ना इंडिया में उसमें भी ये UP वॉरियर्स के लिए खेल रही थी और बहुत अच्छी बॉलिंग करा रही थी। रीसेंट फॉर्म कमाल का है, लास्ट जो अपना इंग्लैंड मैच खेला वहाँ पर 74 रन 2 विकेट 50 ओवर फॉर्मेट का स्कोर कार्ड है, उसके पहले T20 के अंदर पहुँच ठीक ठाक सा रहा है, ट्राई कर सकते हो, अच्छी ऑप्शन है कैप्टनसी की, लेकिन रखना जरूर, छोड़ने का सवाल ही नहीं है। लिबर्टी बहुत नीचे खेलती हैं, आप इनको छोड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों केट क्रॉस की बात करें, इंग्लैंड के लिए भी खेल चुके हैं, अच्छी पेस बॉलर है, लास्ट गेम में 3 विकेट, उसके बाद 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट ठीक ठाक से भी खोल सकते हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट डेथ में भी डाल सकते हैं। सारा नॉरिस उभरती हुई बहुत अच्छी वैसे की पेसर और अच्छा परफॉर्मेंस इनका रीजन में रहा है, और तो ट्राई कर सकते हो, ये भी एक अच्छी पेस बॉलर है। और महिका गौर जिनको थोड़ा सा रिस्क लेना है ना इनके साथ चाहिए, UAE की प्लेयर है, UAE के लिए भी खेलती हैं, UAE अंडर 19 के लिए भी खेलती हैं, ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन बॉलिंग भाई बहुत ही कमाल करती हैं। आप देखिए इनका वेरिएशन का फॉर्म, 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट हो सकता है, बॉलिंग फर्स्ट आए ना तो मैं ले लूँगा। यदि पिच रिपोर्ट में ऐसा कुछ आता है, पिच का फोटो वगैरह मिलता है, क्योंकि ये लोग ऑफिशियल पिच पे कभी भी शेयर करते हैं, यदि थोड़ा सा भी ग्रास वगैरह दिखता है इस टीम को पहले बॉलिंग आता है और महिका गौर खेल जाती हैं, लीजिएगा जरूर भाई, ऐसी कंडीशन का बहुत अच्छा फायदा ले सकती हैं। लेफ्ट आर्म पेसर है और उनका बॉल बहुत अच्छा, मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ मूवमेंट होता है, ठीक ठाक पेस है, तो अपनी टीम में बहुत जिनको रिस्क लेना है ना भाई इस पर फोकस करना। लिबर्टी ही यहाँ पे एलेक्स हैटली की बात करें, ग्रैंडलिंग में ट्राई कर सकते हो, फॉर्म बहुत अच्छा नहीं लगा। बेंच में दोस्तों जो प्लेयर हैं ये लोग शायद खेलते हुए ना दिखें, बहुत बड़ा इनका स्क्वाड है, देखिए कितना बड़ा बड़ा स्क्वाड नेट क्लिक रही है, यदि इनमें से कोई भी खेला ना तो मैं इनके श्रेष्ठ टेलीग्राम पर दे दूंगा। बाकी दोस्तों आपके सामने पहुंच से THU का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर लगभग ही रह सकता है, बैटिंग ऑर्डर की मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे इनका ऑफिशियली बैटिंग ऑर्डर आएगा मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पर जो बैटिंग ऑर्डर शेयर करूंगा वो 100% कन्फर्म होगा। बात करते हैं दोस्तों इस मैच की टीम की, लेकिन जो भी मेरा फाइनल टीम बनेगा मैं आफ्टर टॉस आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, 26,500 से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर लिया, डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप भी टेलीग्राम पे हमें आके ज्वाइन कर लें। दोस्तों बात कर लेते हैं हम इस मैच की टीम की, दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में ए थ्रेकल्ड के साथ जा रहा हूँ, हालांकि नताशा वरिथ भी ठीक ठाक ऑप्शन है, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, कैटी जोन्स बहुत नीचे खेलती हैं, तो आप थ्रेकल्ड और यहाँ से नताशा वरिथ में ही आप किसी को लीजिएगा, मेरे पास अभी थ्रेकल्ड है, आफ्टर ऑफ देखते हैं क्या करना है। बैटिंग सेक्शन में एक प्लेयर लिया एफ विल्सन, जो कि 2 डाउन खेलेंगी, हालांकि यहाँ पे और उतना अच्छा ऑप्शन है नहीं, लेकिन जो लगे ऐसे एप्लीकेशन पर खेल रहे हैं 3 बैटर लेना है तो यहाँ सोफी लुक को ले सकते हैं, दूसरा बैटर हो गया। तीसरा जो आपको लेना है आपके पास तीसरे में एक ऑप्शन मुझे लग रहा है, यहाँ से होलैंड को ले सकते हो, एक आध ओवर की बॉलिंग भी कर जाती है, तो ये 3 आप ऐसे एप्लीकेशन में ट्राई करिएगा जहाँ पे 3 बैटर लेने हैं, बाकी जो लोग ड्रीम पे खेल रहे हैं एक ही लेके जाएं तो ही बढ़िया रहेगा, ऑलराउंडर और बॉलर्स में ज़्यादा फोकस करें। बात करें दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, यहाँ से दीयंद्र डोस्टी मस्ट है पिक, सोफी क्लेस्टोन मस्ट है पिक, यहाँ से डैनियल गिब्सन मस्ट है पिक, कैप्टनसी की भी अच्छी ऑप्शन है, इमा लंबी कैप्टनसी की अच्छी ऑप्शन है, यहाँ से एलेक्स ग्रिफिन भी मस्ट है पिक, और यहाँ से दोस्तों ओला पेंडरगास्ट भी इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 इंपॉर्टेंट है, बाकी और यहाँ पे कोई उतना अच्छा ऑप्शन है नहीं, और यदि हैदर नाइट खेलते हैं तो ग्रैंडलिंग में ट्राई करिएगा। बॉलिंग सेक्शन की बात करें, केट क्रॉस या फिर तारा नॉइस दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तीसरे दोस्तों मैंने ऐसे स्केलेटन को लिया हुआ है, हालांकि इनकी जगह यदि पहले बॉलिंग आएगा WS का तो मैं फील्डर को भी अपनी टीम में ले सकता हूं, लेकिन लास्ट गेम में 2 ही ओवर डालते हैं। बात करें कैप्टन और कैप्टन टीम की फाइनल पर भी,
दोस्तों कैप्टन में करा हुआ है डैनी गिब्सन को वाइस कैप्टन। दोस्तों मेरे इमालम दोनों ऐसे प्लेयर्स बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, स्पेशली दोस्तों डी गिब्सन ये आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, प्लस चारों की पूरी बॉलिंग डालेंगे, इसलिए मैंने उनको कैप्टन कर दिया है। हालांकि दोस्तों पेंड्रकास्ट भी चारों की बॉलिंग करने वाली, नंबर तीन बैटिंग करेंगे, इनको भी वाइस कैप्टन या कैप्टन बना सकता हूँ। तो तीन प्लेयर मुझे बेस्ट लगे। हालांकि दोस्तों थोड़ा सा हट के जाना है, मतलब सेफ जाना है, तो क्लेस्टन को भी बना सकते हो, क्योंकि थोड़ा है काफ़ी लोग बना रहे, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर देख के मैंने सीवीसी करने के बारे में सोचूंगा। यदि नंबर चार या पाँच के आसपास मेंशन हुई तो जरूर इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बनाऊंगा और ग्रैंड लीग में जरूर बना लीजिएगा। बाकी दोस्तों सब लोग डी एंड रोटिंग करके जा रहे हैं, लेकिन अभी दोस्तों इनके जो 50 ओवर फॉर्मेट मैचेस हो रहे थे वहाँ पे नंबर पाँच पे खेल रही थी, तो यदि बतौर ओपनर मेंशन होती है मैं इनको पक्का वाइस कैप्टन कुछ करने वाला हूँ। तो मेरे सीवीसी डिपेंड करेंगे पूरा से टॉस पे, कौन बैटिंग कर रहा है पहले, कौन किस लाइनअप पे मेंशन है प्लेइंग 11 पे, और कितने बार डी एंड रोटिंग के बॉलिंग करने के चांसेस हैं, उस पर मेरा काफी कुछ सीवीसी डिपेंड करेगा। बहरहाल अभी मेरा स्मॉल लीग टीम यही है, बाकी जो लोग ऐसे एप्लीकेशन पे खेल रहे हैं जहाँ पे तीन बैटर लेने हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहेगी। वो लोग एलेक्स ग्रिफिन को एक ड्रॉप कर सकते हैं, दूसरा मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा, क्योंकि भाई हैं तो सारे ही इंपॉर्टेंट, मैं किसी को नहीं कह सकता आप इसको छोड़ दीजिए। बाकी जो लोग ड्रीम पे खेल रहे हैं तो ये टीम यूज कर सकते हैं, जिसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज करके, लेकिन जो भी मेरी फाइनल टीम होगी ड्रीम की और अदर एप्लीकेशन की, दोनों टीम में आफ्टर ड्रॉप आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जहाँ पे जुड़ना बिल्कुल फ्री है। यदि आपने मेरे टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया तो तुरंत ज्वाइन कर लें, जुड़ना बिल्कुल फ्री है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आपने क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। 26,500 ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर रखा है ऑलरेडी, तो यदि आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टाग्राम ट्विटर का भी लिंक है, वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।